शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से रितु अपनी सहेली से मिलकर आई नहीं अभी तक। वैसे खाने के टाइम पे तो वो कभी देर नहीं करती। भाभी भाभी, अरे आप सब ना थाली को छोड़िए और डब्बे पर ध्यान दीजिए जो तनुजा भाभी के यहाँ पे आया हुआ है। कौन सा डब्बा? हाँ, आपको पता है हमने अपना सारा हुनर लगा दिया ये पता करने में कि डब्बे में है क्या, लेकिन मजाल है जो अपने मुंह से कुछ बोले। यूं 15 सेकंड में ना डब्बा ऊपरी मंजिल पे पहुंच गया। लेकिन रितु, उस डब्बे में था क्या वो? तो अभी हमने कहा ना, हमें नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि वो डब्बा ना श्रद्धा जी के लिए आया हुआ है, ऐसा बोला उसने। यानी उस डब्बे में जो भी है वो पता करना ही होगा। ये ताका झाकी में ना औरतों का कोई मुकाबला ही नहीं है। भैया, उसे ताका झाकी नहीं कहते, उसे दूसरों की फिक्र करना कहते। प्लीज। अब हाँ पापा जी, अब तो परिवार एक ही है ना, तो पता तो करना होगा कि ऊपर क्या चल रहा है। भाभी, से ऐसे कैसे खोल सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं है किसने भेजा है। हम इसे नहीं खोल सकते हैं अबे। अरे पर किसके नाम पे आया वो तो लिखा है ना, देखो तुम्हारा नाम लिखा है, चलो खोलो उसे। अरे खोलो श्रद्धा। कितना सुंदर लहंगा है। हाँ, काश ये हमारी आरती अपनी शादी में पहनती। आरती देखो तो, गजब लग रहा है। मम्मी ये तो सच में बहुत ही सुंदर है, अब तो मेरा भी मन कर रहा है लेने का। बेटा मन तो ना सबका ही कर रहा है, लेकिन असली भौकाल तो देखिए हमने लगा रखा है। हाँ, वैसे श्रद्धा और हम में ज्यादा तो फर्क नहीं है। असली शलवा तो ना हमने दिखाया है, हम कुछ अलग ही लग रहे हैं। अरे अलग तो होगा ही ना, क्योंकि ये ना बुआ चाची मामी के लिए नहीं बना है। देखो हम लगा के दिखाते, इस लहंगे की ना खूबसूरती ही बढ़ गई। जितना खूबसूरत ये लहंगा है उतना ही महंगा भी लग रहा है। पर ये श्रद्धा को किसने दिया है? मैंने। जब बात एक मैगजीन के कवर फोटो शूट की हो तो सब साथ जुड़ ही जाते हैं। और ये कंपनी का डिजाइनर लहंगा है, 15 लाख का है। थैंक यू सो मच श्रद्धा कि तुमने फोटो शूट के लिए हाँ कहा। जो हमारी मैगजीन का चेहरा है, यानी हर भारतीय नारी के लिए प्रेरणा, उसके चेहरे पर ये लहंगा 4 चांद लगा देगा। पर ये लहंगा घर पे इसकी क्या जरूरत? हमने सोचा कि शूट घर पर ही कर लेते हैं, जहां तुम्हारा मन शांत हो
और तुम्हारे लोग आसपास हो। वैसे ये आइडिया अभय का था। एक मिनट, वैसे अभय तुमने खुद देखा लहंगा कितना खास है और जितना बारीक काम हुआ है ना उस पर उतना ही महंगा भी है। हाँ, डिजाइनर लहंगा महंगा तो होगा ही ना। जब तुमने कहा ना कि श्रद्धा बहुत घबरा रही है, बहुत परेशान है, शूट घर पर करते हैं, तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा एक ही दिन की बात है, लहंगा घर चला जाएगा, पर शूट के बाद लहंगा सुबह पहुंच जाएगा ना। जी चलती हूँ, लेकिन ध्यान रखना श्रद्धा का भी और लहंगे का भी। जी हम ध्यान रखेंगे। वो एक और बात पूछनी थी, वो मैंने एडवांस में सैलरी के लिए बोला था, वो उसके लिए कुछ? वो काम हो गया है, मैंने बात कर ली। लेकिन तुम्हें इतना सारा पैसा एक साथ क्यों चाहिए? वो क्या है ना, मैं श्रद्धा के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए। श्रद्धा देखना तुम कितनी हैरान होने वाली हो जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। भाभी तुम्हें ये लहंगा छोड़िए, आप मुझे कम से कम दुपट्टे। नहीं, ये लहंगा घर पे, पर अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत मुसीबत हो सकती है। अरे श्रद्धा तुम इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। और ऐसे भी एक रात की बात है, फोटोशूट की बात तो वापस लौटा ही रहे हैं ना। सिर्फ इतने खूबसूरत चेहरे पे ही इस लहंगे की खूबसूरती निखर के आ सकती थी। गजब लग रही हो तुम। वैसे सच कहें कीर्ति, आदर्श भारतीय नारी के लिए ना हमें तुम्हारा चेहरा ही सबसे बेस्ट लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लहंगा डिजाइनर ने तुम्हारे लिए ही बनाया है। इतनी सुंदर, सुशील, और तुम्हारी अदा भी तो देखो कितनी अलग। लगता है वरुण जी आ गए। हम इतने खूबसूरत लग रहे हैं, कहीं वो घस खा के ना गिर जाए। हम देख के आते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से, बाद में आना। जब आरती ने मुझे बताया कि लहंगा तुम ले गई हो तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो खुद बेशर्मी की चलती फिरती विज्ञापन हो वो देखने के लिए तो नहीं लेकर गई होगी। हाँ पहन लिया हमने, तो क्या करोगे, जाओ यहाँ से। क्या हुआ अभी, तू इतने गुस्से में क्यों? श्रद्धा का फोटो शूट है थोड़ी देर में, फोटोग्राफर पहुंचने वाले, पर समस्या ये है कि उसका लहंगा तुम्हारी बीवी पहन के बैठी है। अभय तू जा, श्रद्धा के पास रह, ये लहंगा मैं भिजवाता हूं। क्या हरकत है कीर्ति? हरकत? कीर्ति? हमें तो लगा था आप हमें इस लहंगे में देख के कहेंगे वाह स्वीटू कितनी सुंदर लग रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं? और
कौन सा पहाड़ टूट गया अगर हमने ये लहंगा पहन लिया तो? दीदू का उतारा हुआ थोड़ी है, और वैसे भी ये हम पे ज्यादा जच रहा है। पर अगर तुम्हें पता था कि ये लहंगा उनका है तो तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था ना स्वीटू। ठीक, हम दे देंगे वापस। तो आप हमें भी इतना महंगा लहंगा दिलवा दीजिए। तुम्हें हो क्या गया कीर्ति? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभी हम कुछ भी इतना महंगा खरीदने की हैसियत में नहीं है। जी कानपुर से कश्मीर की जो फ्लाइट है उस, हाँ उसमें दो टिकट चाहिए। पैसेंजर के नाम है अभय त्रिपाठी और श्रद्धा त्रिपाठी। जी आप ईमेल कर दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं बस थोड़ी देर में ही हो जाएगा। हाँ वो तो देख ही रहे, अरे ऐसे भी फोटोशूट वाले आने वाले हैं तो अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं अबे मैं कर लूंगी। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। क्या नाराजगी जब हमारे ही पति हमारा साथ नहीं देते और हमेशा दीदू का साथ देते हैं। स्वीटू कब साथ नहीं दिया मैंने तुम्हारा? हाँ वाह, हमारे सपनों को छीन के उन्हें तोड़ के आप हमसे पूछ रहे हैं कि कब साथ नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो और इस हालत में। स्वीटू तुम शांत हो जाओ, अब ये लो पानी पियो। आपने और आपके घर वालों ने तमाशा मचा दिया था जब हमें मॉडलिंग करनी थी, और अब जब दीदू को मॉडलिंग करनी है तो आप सब मिलके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अब किसी को परेशानी नहीं है। देखो प्लीज तुम शांत हो जाओ पहले और शांति से मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे या मेरे घर वालों को मॉडलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम्हारे झूठ बोलने से थी। पर तुम्हें रोका थोड़ी है, बस कुछ दिनों के लिए मना किया क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट से जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना स्वीटू। अरे हम थक गए ये सुन के। वरुण जी हम ना प्रेग्नेंट हैं, अपाहिज नहीं हुए हैं, हमारी जिंदगी नहीं रुक जाएगी। कीर्ति मैम जल्दी से टचअप कर दूं मैं? वाओ मैम ये लुक आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी जगह तुम्हें होना चाहिए था, और वैसे भी इसके बस का है ही कहाँ ये सब। मैम प्लीज आप आ जाइए। मैम स्माइल प्लीज। अरे मैम अच्छे से स्माइल करो ना। हमने तो पहले ही कहा था दीदू के बस की बात नहीं है।
श्रद्धा तुम हर काम अच्छे से करती हो, बस आज सोच लो कि हाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और ये भी काम अच्छे से करो। रेडी मैम? फैंटास्टिक मैम, क्या कमाल का पोज दिए हो आप। तुमने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया, किसी की नजर ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैम प्लीज आप साइड आ जाइए। हाँ हाँ हो रहा है, तुम्हें पता है शुरू में हमें ऑफर आई थी मॉडलिंग की, वो तो हमने मना कर दिया। हमने सोचा कि श्रद्धा को थोड़ा दिखा दे। हाँ आंटी जी प्लीज आप साइड आ जाइए। रेडी मैम? भाभी जब हमारी लायक बहू की खूबसूरत सी तस्वीर छपेगी तो समाज में तो हमारी नाक ही ऊपर हो जाएगी। अब सबकी तकदीर तो ऐसी नहीं होती है ना भाभी। तनुजा वो तो अच्छा हुआ कि हमारी बहू माँ बनने वाली, वरना ऐसे नहीं होते तो उन्हें ही मिला करते थे, है ना? चलो इसी बहाने आपकी बहू को भी मौका मिल गया। भाभी आपकी बहू तो अनूठी है, जैसी उसकी हरकतें। अरे उसके जलवे तो हम रोज ही देखा करते हैं, क्यों रे तू? फिर शुरू हो गई आप लोगों की तू-तू मैं-मैं। ये कोई वक्त है तू-तू मैं-मैं करने का? वहां सामने देखिए श्रद्धा को, देखिए आए बिल्कुल परी जैसी लग रही है, किसी की नजर ना लगे उसे। शाम को तुम्हारे पास आ ही रही थी लहंगा लेके। अरे मैं उसी तरफ जा रही थी तो मैंने सोचा मैं ही लेती जाऊं और तुम्हारा एक चक्कर भी बचेगा। अच्छा अच्छा बैठो ना, मैं भी लेकर आती हूं। अबे किया ना लहंगा लेने के लिए आई है, सेट भारी है, आप निकाल देंगे? हाँ। लहंगा तो यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है तो फिर गया कहाँ? 15 लाख का लहंगा। डर लग रहा है कहीं वो लहंगा हमें नहीं मिला तो। ऐसे तो वो लोग मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हें बहुत पता है, तभी चुराया है श्रद्धा का लहंगा ताकि उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए।